भारत सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में 44वां शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा, जिसमें शतरंज के खेल को बढ़ावा देने तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए टॉर्च रिले बैटन का आयोजन चल रहा है, जो टॉर्च रिले बैटन भारत के सभी 36 राज्यों के 75 जिलों से होते हुए 28 जून को गोरखपुर आई, जिसका भव्य स्वागत गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसंधान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से शुरू किया गया। AICF के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कृषि मंत्री ने बताया कि भारत सरकार एवं यूपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन का कार्य सराहनीय है। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय दल द्वारा पदक प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित करेंगे, जिसके लिए सभी को मैं शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं AICF के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने कहा, महेंद्र पाल सिंह जी, साथ ही हमारे सभी अतिथियों का आप सभी की जोरदार तालियों के बीच स्वागत है।
जो है इतना बड़ा कार्यक्रम जो है अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है भारत में हम सभी को देखने को मिलेगा। और साथ ही इसके बाद में मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी निवेदन कर। मुझे आज ऐसा लगता है कि हम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के घर पर आए हैं, ऐसा लगता है उनकी छाओं में आ गए, ऐसा लगता है कि उनका आंचल हमारे सर पर आ गया और उनका हाथ सर पर आ गया। गोरखपुर आके ऐसा लगा कि मैं उनकी छाव और आंचल के ऊपर आ गया हूँ, उनका हाथ मेरे सर पर आ गया है और लगा कि अपने घर के नीचे बैठा हूँ। एक बार पुनः हमारे बाबा आदि हमारे बाबा हमारे श्री मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली का अभिनंदन करिए। ओलंपियाड मिला, 100 साल लग गए कि जिस ओलंपियाड हमारे पास आते थे, तो हर भारत के लिए आज ये गर्व का दिन है कि हमारे देश में जिस ओलंपियाड में जा रहा है, इस मंच के माध्यम से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी इस टॉर्च रिले का आह्वान किया और इसको आगे बढ़ाया। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर साहब ने इसका प्रोत्साहन किया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने इस पे आंचल दिया, इस पे छाया दी और ये टॉर्च अब इस प्रदेश के 9 जिलों में जाएगी, 9 जिलों में और पूरे देश में ये 75 जिलों का सफर तय करके महाबलीपुरम जाएगी, जहां पर 187 देश एक छत के नीचे बैठकर चेस खेलेंगे और चेस ओलंपियाड का आरंभ होगा। के लिए एक गर्व की बात है, मैं चाहूंगा हर उत्तर प्रदेश का वासी हर भारतवासी इसमें गर्व करे। आपको यह बताना चाहता हूं आज हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इससे हमारी दो खुशी दो गुनी हो जाती है। 75वां साल है हमारी आजादी का, तो ये आजादी का जो अमृत महोत्सव है उससे तालमेल इसका बना और ये टॉर्च अब 75 दिनों में जाएगी। 75 साल 75 दिन, 75 साल और 75 शहर अपने आप में हर भारतवासी के लिए गर्व के रूप का साकार होगा। पुनः आप सबको ढेरों ढेर शुभकामनाएं अभिनंदन, बस आपसे एक उद्घोष की कामना जा रहा है।
रहे हैं। हो जाता है जब अमृत महोत्सव वर्ष में हम
हमारे देश के भीतर एक ओलंपियाड होता हो, ये ओलंपियाड 25 जून से लेकर के 28 ये ओलंपियाड 28 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त के बीच में चेन्नई में संपन्न होगा। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने इस बात का निर्णय किया है कि स्वर्ण के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के 36 राज्य और केंद्र शासित राज्य मिलाकर के उनके 75 जनपदों के भीतर 75 स्थानों पर इस प्रकार के टॉर्च रैली का आयोजन होगा और उसमें से उत्तर प्रदेश के लगभग 7 जनपदों को होकर के खासतौर पर ये मेरठ से उत्तर प्रदेश में आई थी, मेरठ से आगरा, कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से और प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी, वाराणसी से अयोध्या होते हुए आज गोरखपुर के इस पवित्र धरती पर यहाँ पर आई है। यह हमारे लिए गोरखपुर वासियों के लिए और पूरी उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए यह अपने लिए एक सौभाग्य का विषय है, क्योंकि मैं भी इस मंडल का निवासी हूँ और इसलिए मुझे भी अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कम से कम एक ओलंपिक का अवतार गोरखपुर में हमारे मंडल के भीतर आया, यह अपने में एक सौभाग्य का विषय है। यह आयोजन इसलिए किए जाए जा रहे हैं कि हमारी शतरंज के प्रति हमारी रुचि बढ़े, हम खेल के प्रति हमारी रुचि खड़ी हो और हम खेलने की ओर आगे की ओर तत्पर हो। हम जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के अंतर्गत 2018 से पूरे देश भर में खेलने का अभियान चलाया और इसका हम लोगों ने ये देखा है कि अभी जो ओलंपिक जापान के भीतर हुआ और उस ओलंपिक में हमारे देश ने लगभग 14 पदक जीत करके लाए, जिसमें से एक स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक थे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उन सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को देश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुला करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सम्मानित किया और सम्मानित ही नहीं किया, स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए और जो टीम जीत करके आई थी उसको 6 करोड़ रुपए का टीम स्प्रिट के लिए उनको प्रदान किया। राज्य के खिलाड़ी को प्रतिभाग करने के लिए गए उनको भी एक अच्छी 10 लाख रुपए का प्रोत्साहन धनराशि देकर के उन्हें अतिरिक्त रूप से प्रोत्साहित किया और लगभग 46 करोड़ रुपए उस आयोजन पर करके उत्तर प्रदेश के भीतर खेल का वातावरण कैसे खड़ा हो, इसके लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रयास अत्यंत ही प्रशंसनीय प्रयास है और उत्तर प्रदेश का मान भी बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के खेलों के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि जो ओलंपिक के हमारे पदक विजेता है या जो एशियन गेम्स के भीतर है या इंटरनेशनल खेलों में पदक जीत करके लाते हैं उनको आउट ऑफ कर ग्रेजुएट जॉब उनको प्रदान किया जाएगा और खेलों के लिए खिलाड़ियों के लिए 2% विभिन्न प्रकार की नौकरियों में आरक्षण देकर के खेल को प्रोत्साहित किए जाने का काम जो प्रारंभ किया है उसके लिए मैं आज परिषद से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अपनी ओर से अत्यंत धन्यवाद देता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ। देखिए अपने देश के लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि अमृत महोत्सव वर्ष में शतरंज का चेस ओलंपियाड चेन्नई के भीतर वो आयोजित हो रहा है और इसका शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंद्रप्रस्थ स्टेडियम नई दिल्ली से 17 जून को टॉर्च चेस ओलंपियाड का टॉर्च मशाल
इंदिरा गांधी स्टेडियम से उन्होंने ये प्रदान किया और ये राज्य देश के 36 राज्यों से में जाने वाली है और अमृत महोत्सव वर्ष में 75 स्थानों से होकर के गुजरेगी। ये शतरंज भारत का अपना एक प्राचीन खेल है और उस खेल का ये सौभाग्य है कि 100 वर्षों के बाद यह ओलंपियाड भारत के को करने का अवसर मिला है और अपने देश के भीतर मिला है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आज यह गोरखनाथ की पवित्र धरती पर यहाँ पर आई है। राज्य सरकार की ओर से मैंने इसका स्वागत किया है और ये प्रयास है कि इस टॉर्च रैली से जो मशाल आई हुई है उसके माध्यम से छात्रों और युवकों में एक शतरंज के प्रति जागरूकता पैदा करके और खेल भावना को विकसित किया जाए। हमारा देश की ये परंपरागत खेल है और उसमें उन्हें खेलने में काफ़ी सुविधा होगी और बहुत बड़ी संख्या में हमारे लगभग 136 देशों के खिलाड़ी इस 187 देश आयोजन में शामिल हो रहे हैं और उसके भीतर प्रतिभाग करेंगे। इसमें ए और बी ग्रुप के बालकों और बालिकाओं के हर ग्रुप के भीतर 20-20 ग्रुप बन करके और खेलेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में इसका एक प्रतिभाग होगा और हमारे खेल के प्रति जहां अभिरुचि होगी वहीं हमारे नौजवानों को उनकी बुद्धि की प्रखरता बढ़ेगी। मैं इसके आयोजन की सफलता के लिए कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसकी चैंपियनशिप भारत को मिलेगी। ये चेस ओलंपियाड रिले का कार्यक्रम है जिसको आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके प्रोत्साहन से उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने शुरू किया। उन्होंने IGI स्टेडियम से शुरू किया 19 तारीख को, इसको आगे बढ़ा रहे हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी के छांव में और उनके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में 9 जिलों में जा रही है टॉर्च चेस की अलग जगाने के लिए और देश में 75 जिलों में जा रही है।